झारखंड में कब से होगी धान खरीद, 2,74,000 किसानों ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। खरीफ मौसम 2022 और 23 में किसानों से धान खरीद को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। 15 दिसंबर से किसानों से धान का क्रय किया जाएगा। सरकार ने इस बार भी किसानों से 800,000 टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर 2,74,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसानों ने धान बिक्री को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। किसान बाजार ऐप पर उपार्जन पोर्टल पर अपनी जमीन संबंधी समेत अन्य जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पिछले खरीफ मौसम सरकार ने 1,39,000 किसानों से 7,52,000 टन की खरीद की थी। इसके एवज में सरकार की ओर से किसानों को 1,552,44,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। किसानों को इस वर्ष भी 2,050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि में सरकार की ओर से बोनस की राशि शामिल है। राज्य सरकार इस वर्ष किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी। इस वर्ष भी लघु व सीमांत किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए धान क्रय की सीमा 200 क्विंटल निर्धारित की गई है। राज्य सरकार वैसे किसान जो पिछले 3 वर्षों से धान की बिक्री नहीं कर रहे हैं उनका सत्यापन कराएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार निबंधित किसानों को SMS भेजकर धान की खरीद करेगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। इसके अलावा लैंपस पैक्स के भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।